जेडीयू पार्टी में अब संगठन और सरकार के बीच कोई ताल, कौन बिहारी नहीं चाहेगा कि बिहार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने? आप भी चाहेंगे? एकदम मैं भी चाहूंगा। नीतीश कुमार का साथ भी देंगे? नीतीश कुमार जी का साथ दूंगा। जेडीयू पार्टी है ही नहीं, बर्बाद क्या, जेडीयू पार्टी कहीं दिख ही नहीं रही है। अति पिछड़ा का वोट जो बहुत बड़ा वोट बैंक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, वो आज वोट बैंक जो है ना उनके पास से दरक गया है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जब से महागठबंधन बना है, जेडीयू को झटका ही लगते जा रहा है। जेडीयू के साथ क्या कोई अब रहना नहीं चाह रहा है? हमारे साथ शिक्षाविद कन्हैया सिंह मौजूद हैं। कन्हैया जी भी पहले जेडीयू में थे, आजकल आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं। कन्हैया जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे। आलोक जी, पहले तो होली के अवसर पे, होली स्टार्ट हो चुका है अब तो, और आपके तमाम दर्शक भाई, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप यदि है तो लाइव सिटीज के हैं, और तमाम दर्शकों को, बिहार वासियों को मेरे तरफ से, लाइव सिटीज के तरफ से और विजन क्लासेस के तरफ से, रामचंद्र बाबू के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। चले, शुभकामनाएं हो गई। रंग तो आपने सबको लगा दिया, रंग उतरता जा रहा है जेडीयू का। आसिफी सिंह चले गए, उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए, आज एक छोटा सा उदाहरण आप ये भी ले लीजिए, पूर्व सांसद मीना सिंह काफी करीबी रही थी, अजीत सिंह से काफी अच्छा रिश्ता रहा था नीतीश कुमार का, वो भी चली गए। जेडीयू के साथ कोई रहना नहीं चाह रहा है, या महागठबंधन जो बना है तो आप लोग उसको कमजोर करने में लगे हुए? नहीं, कोई कमजोर नहीं कर रहा है। जब व्यक्ति, आलोक जी, आत्ममुग्ध रहता है, जब व्यक्ति को लगता है कि मैं शब्द से नहीं निकलता है, मैं को जो संस्कृत शब्द है अहम, आप समझ गए, जो व्यक्ति अहंकारी हो जाए, अहम हो जाए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जो है सो मैं ही हूं। संगठन देखिए आज समाप्त हो चुका, धरातल पर दिख नहीं रहा है। आप जो पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, आज उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और सबको अपने राजनीति अपने तरीका से करने का अधिकार है। डेफिनेटली इससे आरा जदयू की पार्टी जो है वो कमजोर होगी, इसमें कोई शक नहीं। मतलब आरा में भी झटका लगा है? एकदम, आरा में पहले झटका लगा, मैंने छोड़ दिया। आप 2020 के विधानसभा को जब देखेंगे, सातों विधानसभा में मेरी वहां प्रमुखता से मेरा वहां प्रेजेंस रहता था, काम रहता था। यहां से मैं और वहां के प्रभारी हुआ करते थे आर्या जी, जो आजकल अति पिछड़ा है। आप उनसे पूछिएगा, हम लोग यहां से एक ही गाड़ी से जाते हैं, और सातों विधानसभा में आप जान लीजिए जो बूथ अध्यक्ष और सचिव का जो कार्यक्रम हुआ, सब में मैं गया, फिर ट्रेनिंग के लिए। नहीं तो क्या बात है, बताइएगा ना, वो वाली जेडीयू, अब वाली जेडीयू, या नीतीश कुमार पहले वाले अब वाले, क्या दिक्कत क्या हो रही है? बहुत बहुत प्रॉब्लम है जेडीयू पार्टी में, अब संगठन और सरकार के बीच कोई तालमेल नहीं। आरसीपी सिंह तो चले गए, तो चलिए नीतीश कुमार के बिना मर्जी से मंत्री बन गए थे, फिर रिश्ते बिगड़ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी चले गए, धीरे धीरे क्या जेडीयू में अंतर्कलह होते जा रहा है? पार्टी के कोई भी सदस्य हो, बिना मर्जी से न तो उन्हें सिंबल मिलता है माननीय मुख्यमंत्री की मर्जी से, और बिना उनके मर्जी से कोई मंत्री नहीं बन सकता है, ये तो जान लीजिए। रामचंद्र बाबू पहले भी कहे थे, हम लोग उन्हीं के कहने पे मंत्री बने, और उनको इस तरह से लोग परेशान करना स्टार्ट किया। देखिए, रामचंद्र बाबू जो है बहुत ही सहज है, सरल है, सुगम व्यक्ति है, बहुत सीधे साधे व्यक्ति है, बहुत इनोसेंट पर्सन है। जब उनको लगा कि मैं अब जदयू पार्टी में रह के राजनीति करना मेरे लिए अब संभव नहीं है, और उनके ही नहीं, उनके परिवार तक उन्होंने नहीं, उपेंद्र कुशवाहा भी जाते थे, क्या कहते हैं कि जेडीयू तो अब बर्बाद होगी, लगता है कि ऐसा होने वाला है? नहीं, जेडीयू पार्टी है ही नहीं, बर्बाद क्या, जेडीयू पार्टी कहीं दिख ही नहीं रही है, और 2024 के लोकसभा में आपको दिख जाएगा जेडीयू पार्टी का एक नहीं, महागठबंधन बनकर तैयार है सामने में, क्या एनडीए जीत पाएगी? महागठबंधन में आप देखिए और एनडीए में देखिए, एक तरफ आपके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको कौन टक्कर देगा, उनके साथ कौन व्यक्ति खड़ा होगा? चेहरा तो बिहार से ही तैयार करने की बात हो रही है। नहीं, बिहार से चेहरा तैयार कर लूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को महागठबंधन अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देगा, उस दिन कौन बिहारी नहीं चाहेगा कि बिहार का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने? आप भी चाहेंगे? एकदम मैं भी चाहूंगा। नीतीश कुमार का साथ भी देंगे? नीतीश कुमार जी का साथ दूंगा, वैचारिक रूप से तो जरूर साथ दूंगा मैं उनका। नहीं लगता है कि बिहार का व्यक्ति आप प्रधानमंत्री बनने के मतलब बन जाए, इससे बड़ा बिहार और बिहारी होने का फक्र किसे महसूस नहीं होगा। चलिए अंतिम सवाल आपसे लेते हैं, आप भी आरा जाते हैं, शाहबाद जाते हैं, शाहबाद की राजनीति से आपका ताल्लुकात है, वहीं आपका जन्म स्थान भी है, पले बड़े, सेवा किया, पढ़ाई भी करवाई, बहुत हजारों लोग आपके अंदर में पढ़े आज तक,
कितने तो आईएएस आईपीएस हो गए, कितने अच्छे अच्छे जगहों पर आईआईटी में हैं, कॉलेजेस में गए, क्या लगता है लोग क्या कर रहे हैं? अलायंस पार्टियों का हो गया है, लोगों का अलायंस हुआ है? आलो भाई, आपके एक बात तो मैं युवाओं को कह दे रहा हूँ, युवाओं को बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपको लगता है कोई एग्जाम क्रैक करना कठिन है, बीइंग ए टीचर मैं कितने बच्चों को समझाता था कि एग्जाम बहुत टफ नहीं होता है, पढ़ाई करो। पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि यहाँ पे ना मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो राजनीति में राजनीति करते हैं, यानी पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स करते हैं, और 10% इनोसेंट पढ़े लिखे लोग जब जाते हैं ना, ये 90% नहीं चाहते हैं कि सफल हो, क्योंकि उनको पता है कि ये 10% वाले सफल हो जाए ना तो 90% हम लोग जो है वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो मैं और खासकर आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और खासकर जिनके परिवार में पहली बार राजनीति कर रहे हो ना, उनके लिए तो बहुत ही टफ काम है। आरा मेरा कर्मभूमि रहा है, आप जानते हो आरा से ही मैं बाहर गया था, वहीं से पढ़ाई लिखाई किया, वहीं से मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट किया। आरा के लोगों में, आरा शहर में मेरा दिल बसता है, वही चखम्मा गली, शिवगंज, वहीं से मैं वहां के गांव गांव में घूमे हैं, गांव अभी भी मैं घूम रहा हूँ। लगातार लोगों का जो प्यार मिल रहा है, और मैं क्या लेके जा रहा हूँ, लोगों के बीच शिक्षा का अलग लेके जा रहा हूँ। मैं गाँव में जाता हूँ, दलित महादलित टोला में जाता हूँ, कहता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ उनको, बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। वहां आप खाते हैं? एकदम मैं खाता हूँ, एकदम में खा। अच्छा एक चीज बताइए, आप मुझे कह रहे हैं हम लोग के क्लास में कभी पता होता है कि कौन बच्चा दलित है, महादलित है, कौन अगड़ी है, कौन पिछड़े? कभी किसी को पता नहीं रहता। शिक्षक धर्म ही है सबको शिक्षा देना। तो आरा तो मेरा कर्मभूमि है। लोग क्या कर, आप बताए ना लोग क्या कर रहे हैं? गठबंधन तो हो गया है पार्टियों का, क्या कि लोगों का गठबंधन हुआ है, जातियों का गठबंधन हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ। आप जमीनी स्तर पर जाएंगे, देखिए लोग कर ऊपर में तो दो नेता जब चाहे तब बैठ मिल जाते हैं, एक सीएम बन जाते हैं और एक उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बट नीचे के जो वोटर होते हैं, जो कार्यकर्ता है ना, वो नहीं मिल पाते हैं, और एकदम मिलेंगे भी नहीं। आप ये जान लीजिए, आज वही कारण है कि अति पिछड़ा का वोट जो बहुत बड़ा वोट बैंक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, वो आज वोट बैंक जो है ना उनके पास से दरक गया है। वो कहीं ना कहीं वो रामचंद्र बाबू के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। देखिए तो एक बड़ा उलटफेर जो है वो हो रहा है, लोग छिटक रहे हैं, पुराने लोग भी जा रहे हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू कुछ लोग कह रहे हैं कि बर्बाद हो रही है, कन्हैया सिंह कह रहे हैं ही नहीं। देखते हैं आने वाले समय में, महागठबंधन बनकर तैयार तो है, लेकिन जब लोगों के ही अलायंस में अभी दिक्कत है, यानी कि दल मिल गए हैं, दल के जो लोग हैं वो अभी आपस में नहीं मिले हैं, तो फिर ये महागठबंधन कैसा? सवाल तो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।